मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से नर्स एसोसिएशन अपनी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर है, लेकिन शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि अब नर्सेज एसोसिएशन के साथ अन्य विभाग के कर्मचारी उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक नजारा अनूपपुर में देखने को मिला, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने नर्सेज एसोसिएशन की मांग को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया। देखिए क्या है, ये जो बहनें बैठी हुई हैं आज ये हड़ताल में, क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी हैं, हम लोग इस परिस्थिति से हम लोग भी गुजर रहे हैं। जो इनकी मांगे हैं हमारी वही मांगे हैं। हम चाहते हैं इनके माध्यम से गवर्नमेंट जल्दी सुने। कोई गलत मांग नहीं है, पुरानी पेंशन योजना मांगना कोई गलत नहीं है, संविदा को स्थायी करना कोई गलत मांग नहीं है। हमारे विभाग में भी वही समस्या है जो समस्या ये लोग बैठी हैं, इसलिए हम लोग इनको नैतिक समर्थन अपना दे रहे हैं। हम लोग जब ये स्थिति आ रही है कि हमारा वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, हमारा 3 साल से DA रोका गया है, सब सुविधाएं हमारी बंद कर दी गई, और इसके बावजूद भी आज कर्मचारी जब हम सेवा करते करते कोरोना हो या जो भी हो उसमें सेवा कर हमारी बहनें शहीद हो जाती है, हमारे डॉक्टर शहीद हो जाते हैं, हमारे टीचर बंद शहीद हो जाते हैं, तो उनके पेंशन की क्या व्यवस्था है, उनके परिवार की क्या व्यवस्था है? काहे का आपातकालीन? आपातकालीन हम लोग के लिए लगाया गया है कि देश में आपातकाल नहीं है, वहीं एक सबके लिए एक विधान एक देश होना चाहिए। तो आप एक तरफ कहते हो कि पेंशन खत्म है और वहीं विधायक मंत्री मिनिस्टरों के लिए पेंशन लागू, स्पेशल पेंशन, चार चार पेंशन, और हमारे कर्मचारियों के लिए परिवार के लिए कोई पेंशन नहीं, कोई सहारा नहीं, बुढ़ापे का क्या सहारा है।